पराठा बनाने के लिए दोस्तों मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है और इसमें मैंने कुछ अजवाइन के दाने क्रश करके डाल दिए हैं और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसका पानी डाल करके डो तैयार करूँगी। फिलिंग बनाने के लिए मैंने जो मटर बॉईल की थी उसको अब मैं उसके लिए तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है और अब जीरा डालूँगी, उसके बाद अदरक और हरी मिर्च। जीरा थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें थोड़ी सी हल्दी, मटर। जो मटर फ्राई की थी उसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। मटर जो पीस के तैयार हुई है उसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज आप अगर खाते हैं तो आप डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और हरी धनिया, थोड़ी सी किसी खटाई या अमचूर पाउडर, है ना। और नमक हम सबसे लास्ट में, मतलब पकने के बाद इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, इसलिए हमने इसको पीसने के बाद मिलाया है। और ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है पराठे के लिए। मेरा पराठा बनके तवे पे तैयार है और एक साइड सिक गया है तो मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। इसके बाद जब दूसरी साइड सिक जाएगा तो उस पर ऑयल लगाएंगे। दोस्तों जो आज की रेसिपी थी वो मटर के पराठे देखिए बनके रेडी हो गए हैं गर्मा गर्म।